फटाफट से गेम को लॉन्च करते हैं, पर उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 2:08 हुए हैं लगभग, और यहाँ पे 83% बैटरी है। इनिशियल टेम्परेचर ले लेते हैं थोड़ा सा गेमिंग टेस्ट के लिए। 34.9 डिग्रीज है, 36 है नीचे की साइड, और पीछे की साइड की बात करूँ तो पीछे 35.8 मैक्सिमम दिख रहा है मुझे। तो 34 से 36 डिग्रीज के बीच में इसका बॉडी या सरफेस टेम्परेचर है इस समय। तो फटाफट से करते हैं गेम को लॉन्च। तो यहाँ पे गेम हो रहा है स्टार्ट, और यहाँ पे जो ये रिकॉर्डिंग का सिंबल आ रहा है ये सिर्फ FPS टेस्ट का सिंबल है, यहाँ पे कोई भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग FPS मीटर दिख जाएगा जिससे आप जज कर सकते हैं कितने FPS आ रहे हैं इस गेम टेस्ट में। डिटेल्ड गेमिंग रिव्यू आपको जल्दी मिलेगा जिसमें और भी सेटिंग्स अगर जो नहीं है इसमें GFX टूल यूज करके उसके साथ करेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से मैं आपको पहले सेटिंग्स दिखा देता हूँ बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलती है ग्राफिक्स में जाके। तो यहाँ पे आपको मिलता है स्मूथ में अल्ट्रा तक यानी कि 40 FPS, बैलेंस्ड में भी अल्ट्रा और HD में हाई मिलता है। तो जो स्टैंडर्ड स्नैपड्रैगन 730G जैसे डिवाइसेस आपने देखे होंगे वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे आपके पास मोटो गेम के भी ऑप्शन है जिसमें आप कुछ सेटिंग्स और सब देख सकते हैं अगर आपको कुछ चेंज करना हो, तो वो सब हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ब्राइटनेस आपको दिखा देता हूँ अभी कितनी है। अब 100% कर दी हमने ब्राइटनेस यहाँ पे, इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं बेसिक्स में, और यहाँ पे पीक एंड फायर सब अनेबल है, ग्राफिक्स कलरफुल सही है। तो पहले एक TDM से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है TDM में, फिर क्लासिक की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम स्टार्ट हो गया, FPS कांस्टेंट आपको ऊपर दिखता रहेगा। कंट्रोल्स थोड़े से चेंज हुए हुए थे यहाँ पे इसलिए मैं फायर नहीं कर पा रहा था, अब ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं डिवाइस 40 FPS तो मेंटेन कर पा रहा है, तो अभी तक तो अच्छा जा रहा है गेमिंग टेस्ट जो हम इस पे करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला TDM मैच हो गया है, और एज एक्सपेक्टेड हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मोस्टली 40 FPS ही मेंटेन कर पा रहा था स्नैपड्रैगन 730G की वजह से। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जो कि एक क्लासिक मैच होगा, तो लेट्स सी कि क्लासिक में ये कैसे परफॉर्म करेगा। तो आप देख सकते हैं थोड़े फ्रेम ड्रॉप आए जरूर जब आप कूदे, काफी लोग आ रहे हैं, तो वो इनिशियल फ्रेम ड्रॉप के बाद ये वापस 40 पे मेंटेन हो जाता है। अबे पीछे से मार दिया। तो हमारा पहला मैच जल्दी ओवर हो गया, पर यहाँ पे हॉट ड्रॉप में भी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स नहीं आए थे। पर अब हम चलते हैं दोबारा से क्लासिक में।
अबे यार दोनों आ गए। तो चलिए एक और खेलना पड़ेगा। पेशेंस टेम्परेचर्स की बात करें तो आगे की साइड हो गया है 41.7 और 42.8 मैक्सिमम जो आ रहा है 42.8 आ रहा है इस रीजन में 42.2 हो गया है वो तो 42 के अराउंड टेम्परेचर आगे की साइड है और पीछे की बात करें तो पीछे 41.5 मैक्सिमम है और दिल्ली के वेदर की बात करें तो दिल्ली ऑलरेडी बहुत गर्म है 39 डिग्री सेल्सियस पे है और बैटरी देख लेते कितनी आई 32 मिनट्स की गेमिंग के बाद तो यहाँ पे फाइनल बैटरी 73% है 10% का ड्रॉप आया। तो यहाँ पे आप चलते हैं गेम बेंच के प्रो टूल में और यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आपको बेटर दिखे और यहाँ पे 33 मिनट का सेशन था जैसा कि हमने आपको कहा था परफॉर्मेंस 40 FPS आई हमारे फर्स्ट गेमिंग टेस्ट में। गेमिंग रिव्यू बाद में भी लेके आएंगे पर यहाँ पे आप फ्रेम रेट्स देख सकते हैं 40 FPS की जो ये लाइन है ये आपकी मेन लाइन है आपको जो ये सबसे यहाँ पे 40 पे दिख रही होगी जो ये जीरो पे डिप जा रहे हैं ये आपकी लोडिंग स्क्रीन या डेथ स्क्रीन है जैसे ये आई थी। तो पहला हमारा TDM मैच था फिर एक क्लासिक फिर एक और क्लासिक और फिर फाइनल लंबा क्लासिक। तो आप देख सकते हैं TDM में 40 FPS रहा था फर्स्ट क्लासिक में हमने हॉट ड्रॉप किया था तो यहाँ पे हल्का सा फ्रेम ड्रॉप एक दो बार आया था। सेकंड क्लासिक की बात करें तो उसमें अगेन थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप आया जब हॉट ड्रॉप कर रहे थे। थर्ड में हमने सेव ड्रॉप किया और 40 मेंटेन रहा पर ओवरऑल 94% टाइम 40 FPS ये मेंटेन कर पा रहा था स्नैपड्रैगन 730G जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे डिवाइस से जिसमें स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। एक गेमिंग टेस्ट था मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का जिसमें स्नैपड्रैगन 730G आता है और ये इजीली हैंडल कर पाता है 40 FPS गेमिंग जो इसमें बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन मिलता है और 10% बैटरी ड्रॉप आता है ऑलमोस्ट 32 मिनट्स की गेमिंग के बाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।